मी माझा बघतो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे इस ऑनर के बारे में जो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब की फैमिली भाई आज तक मुझे ऐसा कोई ऑनर दिया नहीं किसी ने और मैं कहता हूँ कि ऐसे कलाकार थे आज मुझे पता लग रहा है कि कितनी बड़ी हस्ती थी वो। आज पूरा रोड जाम है यहाँ पर। जब सन्मुखानंद हॉल में मैं आता था तो हमारी पिक्चर की सिल्वर जुबली होती थी तब आता, तब बहुत भीड़ होती थी, एक्टर एक्ट्रेस सब आ रहे। आज उससे भी ज़्यादा भीड़ है। एक कलाकार की पहचान अब होने लगी अच्छी तरीके से और उनका इतना लोगों के ऊपर में प्यार और मोहब्बत। कहीं भी बैठते थे, कहीं भी कुछ भी गाते थे, कभी गज़ल गा दिया, कभी भजन गा दिया, कभी कोई राग गा रहे, मुश्किल से मुश्किल राग। इन लोगों की पहचान अब होने लगी है। बच्चों की भीड़ देखी बाहर, कमाल हो गया। मैं कहता हूँ भगवान ऐसे ही लोगों को प्यार करे और ऐसे लोगों को लोगों के सामने बहाने दे ताकि बच्चे हमारे कुछ सीख सकें संगीत के बारे में। हमने मियाँ तानसेन को नहीं देखा, बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन लोगों की हस्ती अब आज के कार्यक्रम से लग रहा है कि क्या थे इनके ऊपर क्यों नहीं ऐसी मूवीज बनी जिससे कि हमारे बच्चे उनको पहचानते थे। जी बच्चों से ही इज टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड एंड पहला उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं की बदौलत तो देखो अपने पापा को लोगों के बीच में उनकी जब डेथ हुई तो सबको मालूम था कैसा हुआ है, लेकिन आज उनकी याद के लिए ये बेचारे घूम घूम के लोगों को रिक्वेस्ट करके और किस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी होना बहुत मुश्किल है आज के युग में और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी आयु बहुत लंबी दे और इनको भगवान की तरफ सब कुछ। रबानी जी, योर थॉट्स ऑन द एंटायर अवार्ड एंड ऑफ कोर्स पंडित जी गेटिंग दी। हाँ, कोशिश ये रही कि टू लिव हिज आई मीन टू कीप हिज नेम अलाइव एंड यू नो हम अवार्ड तो क्या देंगे, हमारी कोई वो नहीं है क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं और पापा हमेशा से ही हरी जी को बहुत प्यार करते थे और बहुत हम लोगों को भी, हम बैंड्रा में भी रहते थे, हम सुनते थे कि हमारे नेबर हैं और मैं तो शायद उस टाइम में बहुत छोटा था, बट उसके बाद भी पापा के साथ में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हरी अंकल वगैरह ने, पापा ने सब ने गाए बजाए, बहुत ऐसा देखा हमने और ऐसे लोगों को हमको देखने का मौका मिला और मतलब इनके सामने हम बड़े हुए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती है। और हम अवार्ड तो नहीं दे सकते हैं, बट हम जो एक खिदमत करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बुज़ुर्गों की वो हम कर रहे हैं। सो उनकी दुआ ही काफ़ी है जी। ये मैं कहूँ ये तो सब नाम तो है आनंद जाना, लेकिन ऐसे लोगों की दुआ ही काफ़ी है। हमको लगता है कि चलो हमने उनको नहीं देखा स्वामी हरिदास को, लेकिन ऐसी महानुभूति देख के मुझे ऐसा लगता है सबके दर्शन।
और क्या चाहिए। पंडित जी, एक समय था कि आप फिल्मों में, खास करके यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी लमहेदार आपका गाना दे दिया करते थे, वो ज़माना कई काफ़ी टाइम हुआ बीत गया। आपको आजकल की जो जैसे फिल्मों में म्यूज़िक बनता है, क्या वो देखकर आपका आपका मन नहीं करता कि आप शामिल हो? मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। आजकल पहले हम लोग पिक्चर के साथ पे चलते थे, संगीत कैसा होना चाहिए जैसा देख रहा हूँ पर्दे को पर। आजकल क्या हो गया, पर्दा अलग हो गया और संगीत अलग हो गया, तो दोनों जब नहीं मिलते तो उतनी ज़्यादा उसकी कदर नहीं होती। अगर कपड़ा में पहनूँ मेरे को सूट न करें तो उसका फ़ायदा क्या? तो मैं देखता हूँ शायद वही वजह है जो हम सोचते हैं, और नहीं तो अब अनारकली बनाने वाले कहाँ हैं, मुगले आजम बजाने वाले कहाँ हैं, बैजू बावरा बजाने वाले कहाँ हैं। वो भी था, वो भी पिक्चर था, उसमें गाने भी वैसे ही थे। आजकल क्यों नहीं है? अभी हम मुझसे मत पूछिए, आप खुद सोचिए। थैंक यू। मैं भी देख के घबरा जाता हूँ, ये मेरे लिए आए हैं या कोई और प्रोग्राम के लिए आए हैं? भाई मैंने कहा ना पहले, यहाँ पर फिल्म के जब 25 हफ्ते हो जाते सिल्वर जुबली फंक्शन होता था, राज साहब बाहर खड़े हैं, दिलीप साहब बाहर खड़े हैं और सारे हीरो हीरोइन सारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग आया करते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। जो फिल्म में काम करने वाले लोग उन्हीं की भीड़ होती थी, और या कुछ उनके अपने पर्सनल गेस्ट हो या घर। आज तो कहाँ से यंग लोग आ जाते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और यंग बच्चों को सुनने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में क्राउड देखी, इतना तो मैंने क्राउड तब भी नहीं देखा जब मैं फिल्म इसके सिल्वर जुबली के लिए आता था। राज साहब का यहाँ था वो रशियन लोग का कौन सा पिक्चर था वो, एनीवे उसमें राज साहब ने कहा आप बजाएंगे थोड़ी। मैं बजाना क्या, मैं जब प्रोग्राम शुरू हो गया लेट हो गया मैं तब मैं पहुँचा, ऐसी हालत थी। गाड़ियाँ ये वो लोग देखने के लिए, अब तो सुनने के लिए लोग आते, यंग बच्चों को कौन क्या गाएगा मालूम नहीं। अच्छा गाते, बहुत ही अच्छा गाते। साथ ही समय बदल गया है, उस समय जिस तरीके के म्यूजिक हम सुनते थे आज कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। ये क्या उस मैं क्या कहूँ उसके लिए, अब वही मैंने कहा ना, हमने स्वामी हरिदास को नहीं देखा, हमने बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन जब उनको फिल्म में देखते हैं तो लगता है कि ये तो ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऋषि लोग थे जिनको हम दर्शन भी नहीं कर पाए, उनका इतना नाम पहले से सुन रखा था, और जब फिल्म में उनको सुनते हैं बैजू बावरा अनारकली मुगले आजम, लगता है वाह वाह हमारा संगीत हमारा कल्चर हमारे लोग क्या सुनते थे। महात्मा तो गाने वाले थे ही लेकिन सुनने वाले भी महात्मा थे। क्या आज हम आपका भी परफॉर्मेंस देखेंगे? आज मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बिना पैसे या बिना बजाए हुए कुछ सबको मिल रहा है इसलिए लेके जाऊँगा, लेकिन जरूर सुनाऊँगा, अभी बजाता हूँ बजाता रहूँगा। क्या कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक की जर्नी में आपने कुछ मिसिंग है अब तक के पूरी जर्नी में? नहीं मिसिंग नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। यंग बच्चे तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, चाहे आप पेंटिंग में ले लीजिए, चाहे म्यूजिक में ले, सब बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। हम लोग इतना ज्ञान नहीं था, हम लोग पिछड़े हुए थे, आज के बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। साथ ही उस समय के लोग भी आज भी जब जब वो सभी गीत सुनते हैं तभी तभी वो आपको याद करते हैं, उन सभी के लिए कुछ अगर आप मैसेज दो कि और भी। बस उन्हीं के हाथ में हमारे भारत की जो आदर है, भारत का आदर है जो, वो वही लोग बरकरार रख सकते हैं अगर अपने बच्चों को, अपने बच्चों को पीछे आशीर्वाद का हाथ दे के खड़े हों। खेल तो है, पूजा भी है, खाना भी है, सब कुछ है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, संगीत को भी ऐसा कर लेना चाहिए कि जैसे हम सुबह भजन गाते हो वो भी संगीत हो गया। हर बच्चों को अपने हिसाब से गाने दीजिए, बेटा तुम गाओ, ओम जय जगदीश हरे। थैंक यू।
कैसे गा सकते, तो बच्चों को बड़ा लगाव हो जाएगा। और मम्मी पापा जो करते हैं बच्चे उसको बहुत गौर से देखते हैं, भले करे या न करे बहुत गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा होती है। तो वो बच्चे रखना चाहते हैं लेकिन मम्मी पापा को टाइम होता है। सर आपने बहुत ही भजन गाए हैं, बहुत ही भजन गाए हैं सर आपने, तो आप कोई भजन ऐसा जो बोलना चाहे लोगों को कि जो सुनना चाहिए सुबह या बच्चों को, हर पीढ़ी को? हर लैंग्वेज का अपना भक्ति है, भजन है, हर लैंग्वेज की अपनी शक्ल है, किसको कौन सा लाइक करता है। देखिए चर्च में जाइए तो आप ही भजन ही गाते हैं, चाहे पियानो बजा के, यहाँ जाएंगे मंदिर में तो आप मदीना बजा के गाते हैं, और यहाँ मस्जिद में जाए तो आप देखिए पांच टाइम सुनाई पड़ता है। वाह, तो हमारे भारत में तो बहुत अच्छी बात है कि हर तरीके का कल्चर अच्छा कर रहा है और अच्छा करता रहेगा। हम कहाँ तक उसको अपनाते हैं हमारे पर डिपेंड करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अभी वो रिहर्सल चल रहा है, शंकर भाई आज पहुंचे वहाँ। हाय, सो आप एक काम करिए, आप इधर आइए। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज नहीं, अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। अरे सर क्या बोल रहे हैं, हीरो ने हमें सर पंडित जी आपसे शुरुआत करेंगे। How does it feel to get the Ustad, first Ustad Ghulam Mustafa Khan award today? अब इस खुशी को मैं जब मिल जाएगा और उसके बाद जाहिर करूँगा। ये तो बड़े भाग्य की बात है, हमारे मित्र परम मित्र और बड़े अच्छे सुरीले और बड़े अच्छे ज्ञानी लोग, ऐसे लोगों के नाम का अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है। एक पेपर भी मिल जाए उनका लिखा हो कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, वही बहुत होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जाकिर भाई देखे कहाँ से आ गए, हरी भाई कहाँ से आ गए, और सब मिलकर उनके उनकी सेवा भी करें, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, मैंने भी सीखा है बहुत, सबने सीखा। तो बस मिस करेंगे और क्या करें। हरी जी, व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ हरी, छोटा हरी जी, I'm so lucky to have the same name like that. Yeah, absolutely. Absolutely. But I have known Khansa from the age of 19. When I was 19, I joined him as a student. And he has taught me music and he has taught me about life. What is life all about? What's a musician's life? What is the responsibilities? And maza aa gaya. Unhone hame apnaya and I got my path. I love him. He's like a father to me and really miss him. मुझे नहीं लग रहा है कि अभी दो साल हो गए हैं। देखिए, you know, when we were planning of this program, surprise हो गया था मैं, रब्बानी। और इस अवसर पर मैं जो भी मैं गा रहा हूँ, मैं उनकी मतलब उनके आशीर्वाद से मैं गाऊँगा, और ये मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैं इस दिन यहाँ में गा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
खान साहब के बारे में पहले तो ये कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ही हैज़ नॉट ओवर द मैनी डेकेड्स दैट ही सैंग रिसीव्ड द काइंड ऑफ अटेंशन एंड एक्लैड्स दैट ही डिजर्व्ड. His passing has left a big hole in the what I may call the transmission of the tradition of Indian classical music, khayal gayaki and light classical music. Ab unke saath mera sambandh to yahi hai ki hum log Mahim mein neighbors the. To main school se aata tha class se aur ghar pe basta rakhe cross सेम बिल्डिंग हॉलवे क्रॉस करके उनका दरवाज़ा खोल के अंदर जाता था. तो वो रियाज कर रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं और फिर उनके बैठ के मैं ठेका लगाता था. तो गाने के साथ कैसे बजाना, गाने की संगत कैसे करना, बंदिशें, उनका भाव, उस जो श्रृंगार रस उन बंदिशों में होता है उसकी कैसे संगत करनी, ये जो सारी तालीम है उनके साथ बैठ के मुझे मिली. तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज उनकी याद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है. और हरि जी ने जो हम सब लोगों पर एक एहसान किया कि आए और एक अवार्ड दे के इस अवार्ड में चार चांद लगा दिए. सही बात. तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज हरि भैया ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आऊँ और मैं आ गया और आ सका. तो आज खान साहब की याद होगी और उनकी याद में खुशी के स्वर बिखरे जाएंगे क्योंकि वो जो छोड़ के गए हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं और काफ़ी लकी हैं कि इतनी तालीम, ये लेगेसी, ये आर्काइव्स जो वो छोड़ गए हैं उसका सबको फ़ायदा हो. सब सुनो, उनके घर में उनके बच्चे हैं, वो सब सिखा रहे हैं और गा रहे हैं. आज उनके पोते फैज़ गा रहे हैं. और तो एक जो लाइन चली आ रही है रामपुर सहसवान घराने की, वो चलती रहे और हम सब पर खान साहब की एक छाप हमेशा से जो लगी है वो हमेशा लगी रहे. और ये संगीत का आना जाना, इसका ट्रांसमिशन हम सब हरि जी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से और लोगों को हिंदुस्तान में उजागर करता रहे. बस थैंक यू. आई एम वेरी थैंकफुल टू पंडित जी फॉर एक्सेप्टिंग दिस. हम सम्मान करने की तो हमारी नहीं शायद हिम्मत भी है और औकात भी है, बट डेफिनेटली हम खिदमत कहेंगे हम कर रहे हैं. एंड हम बहुत खुश हैं कि ही हैज़ एक्सेप्टेड टू, यू नो, ही इज़ कम एंड ही इज़ एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड ऑन माई फादर्स नेम. पापा के बहुत क्लोज रहे हैं हमेशा से और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको सबको आशीर्वाद मिलता रहा है. तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि ही हैज़ एक्सेप्टेड. जाकिर भाई बहुत प्यार से आए हैं और शिरकत किए हमारे इस इवेंट में. हरिहरन भाई, ये सब हमारे बड़े भाई हैं और इन लोगों ने हमेशा ही प्यार दिया है. और आज जब हम एक जमा हुए हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग माई फादर्स लाइफ एक्चुअली. सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी दैट जो एक फैमिली है हम फिर एक साथ में आए हैं. दिस इज़ हैपनिंग. और वो भी हॉल में बैठे हुए हैं. मैं देख अभी मैं मिल गया, बैठे हुए हॉल पे देख रहे हैं. बट आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग. बस हम सबकी तरफ से नए साल की शुभकामना पूरे हिंदुस्तान में सबको और जय हिंद. Thank you guys. Inviting Hariharan ji, Ustad Zakir Hussain ji on stage. Yes, yes. Keep that going. Khan Sahab's sons, Murtaza Mustafa, Qadir Mustafa, Rabbani Mustafa and Hassan Mustafa. The award every year will be handed out by Khan Sahab's wife, Amina Mustafa Khan ji.
May I also please request Suresh Vadkar ji to join on stage, please? Ustad Aftab Ahmed Khan Saab, Ustaji's youngest brother, couldn't be here today due to health reasons. He sends his best and warmest wishes for us today. Once again, to just quickly felicitate the people on stage. Can we have the bouquets, please? So as I said, the very first award, Hazri Padma Vibhushan Ustad Ghulam Mustafa Khan Award, is going out to Pandit Hariprasad Chaurasia ji. I request Pandit ji to come up on stage as well to receive the award. It's a 2,51,000 rupees cash prize and a beautiful brass tanpura, handcrafted. Please put your hands together and it can be a lovely standing ovation. Yes, please. The very first recipient of Hazri Padma Vibhushan Ustad Ghulam Mustafa Khan Award. May I also please request Javed Jafri ji to come up on stage. May we please have the award? The award will be presented by Amina Khan ji, Ustad Ghulam Mustafa Khan Saab's wife. Please come up. The very first Hazri Padma Vibhushan Ustad Ghulam Mustafa Khan Award being presented right now to Padma Vibhushan Pandit Hari Prasad Chaurasia ji. What a momentous moment. Put your hands together. A lovely handcrafted brass tanpura being presented to Pandit ji right now. One of Khan Saab's close friends who's performed with Khan Saab world over, Pandit Hari Prasad Chaurasia ji.
We like to request Hariji to speak two words. मुझे आज इसकी बहुत खुशी है कि हरि भाई हमारे भाई और बहन मेरी हमारे बाजू में बैठी हुई है, उनके हाथ से मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और खान साहब भी हमारे बीच में ही हैं, कहीं पर अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और ज़्यादा आपका वक्त समय न लेकर मैं उस्ताद जाकिर हुसैन और हरि भाई से कहूँगा कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो बहुत अच्छा, नहीं ये मुझे ठीक नहीं लगा कि आपको तो भाई बना लिया उन्होंने हरि भाई, मुझे उस्ताद जाकिर हुसैन करके दूर कर दिया, ये क्या चक्कर है? मुझे बेटा तो बोलिए कम से कम। आप दुनिया उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम से जानते हैं? नहीं नहीं, अब आप बेटा बुलाए। नहीं देखिए, मुझे पोता बुलाएंगे। देखो हाँ, आपको आप मुझे चाचा बुलाएंगे। एक मेरी भी ऐसी पैदाइश ऐसे समय में हुई कि देखिए समझते हंसते रहते हैं और मजाक करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। गाना तो सुरीला गाते ही हैं, सारी दुनिया को सुनाते रहते हैं, हमारे हरि भाई है, उस्ताद जाकिर हुसैन, लेकिन लेकिन आज दुनिया इनके लिए मंत्रमुग्ध है। बहुत मुझे दुख, ये क्या कहते हैं, जेलस भी नहीं, जेलस ठीक है ना, जेलस जेलस ही है, क्या करें, मतलब भाई से या उत्साह से, दोनों से। बोलिए ना, मैं आप सबका हम फैमिली जो हमारी है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की फैमिली, हमारी ही फैमिली है, उन सब की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ आए। और जो एक क्या कहते हैं, गुरु दक्षिणा जो होती है, उसका एक आपने अंग देखा और वो ये है कि हरिहरन जी ने ये सब कार्यक्रम के ऊपर अपना हाथ रखा और अपने गुरु की सेवा में हाजिरी दी। और मेरा इस घर से बड़ा पुराना ताल्लुक है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जब शायद 15 साल का छोटा सा लड़का स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने अपना पहला LP रिकॉर्डिंग किया और मुझे तबले के लिए बजवाया। और वो HMB में फिरोज शाह मेहता रोड पर, मैं क्लास में आधा हाफ डे छुट्टी लेके स्कूल से A3 लिमिटेड बस में बैठ के माहिम से गया, लेट हो गया था और HMV वाले बोल रहे थे कि सर आप यहाँ तबला प्लेयर हमारे स्टाफ के हैं, उनके साथ बजा लीजिए। बोले नहीं बेटा, आ रहा है, वो आएगा तभी रिकॉर्डिंग होगी। तो हम माहे में हम नेबर्स भी थे, हमारा जो घर था उससे क्रॉस करती उनका दरवाज़ा, तो रोज़ का मिलना जुलना, तो मतलब फैमिली जैसे ताल्लुकात हैं। तो आज सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, फैमिली सब हैं और सबने अपनी अपनी जगह कायम कर ली है और शिष्यगण सब जमा हैं। तो यही लेगेसी है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की कि उनको प्यार करने वाले इतने हैं और उनके संगीत को जागरण रखने वाले इतने हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। तो आप सबका धन्यवाद। और मैं हरि भाई से कहूँगा कि वो या तो गा के स्पीच दें या स्पीच दे के गाएँ। नमस्कार, मैं खान साहब को व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड
I joined Khansa as he took me as his disciple. So मेरे लिए खान साहब जो हैं मेरे गुरु हैं मेरे पिताजी हैं और मुझे बहुत प्यार से सिखाएं और रास्ता दिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है और जो भी मैं हूँ उनके लिए हूँ ये सच में कह रहा हूँ मैं और दो साल हो गए हैं वो चल बसे मगर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो नहीं है वो हमारे बीच हैं बिल्कुल सोते जागते हुए कभी भी उनकी याद गॉड ब्लेस हिज सोल एंड हरिजी थैंक यू सो मच आप यहाँ आए आप अवार्ड एक्सेप्ट किए आप अवार्ड एक्सेप्ट किए तो अवार्ड का कुछ अलग ही वैल्यू हो गया है सच में कह रहा हूँ तो जाकिर भाई इन स्पाइट ऑफ योर सच बिजी शेड्यूल अभी 7 बजे आए हैं बेंगलुरु से ही इज जस्ट टच डाउन एंड देन ही केम हियर और वापस कल सुबह जाएंगे बेंगलुरु रात को जा रहे हैं थैंक यू सो मच इट्स ऑल योर लव थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंकिंग ऑल ऑफ यू ऑन स्टेज for honoring the stage and being here. Thank you so much. Once again, keep giving these wonderful artists on stage all you can with your applause. Padma Vibhushan Pandit Hari Prasad Chaurasia ji, once again. Also, please request Shadma, Nazma, Shahina, and Rabia to come up on stage, please. Khan Sahab's lovely daughters, please do come up on stage. May I request Gauri ji to also join up on stage?